नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता ट्यूर, आपके साथ में हूं अमित शर्मा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपको हम दिखाते हैं चार मिनट में 18 मंडल। विधान परिषद में कार्यवाही के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। इस पर सीएम योगी ने कहा कि सुनने की आदत डालें सपा के लोग, सबके पेट का दर्द दूर कर दूंगा। एंटी जिहाद कानून को विधानसभा में पास होने के बाद आज विधान परिषद से पास करा लिया गया। समाजवादी पार्टी के भारी हंगामे के बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने विधान परिषद में भी इस विधेयक को ध्वनिमत से पास करा लिया। कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दो युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। फिरोजाबाद के पुरा गांव में ट्रैक्टर की टक्कर से लगने से युवक की मौत हो गई। वहीं घटना स्थल दिया पुलिस ने मौके पर पहुंची पुलिस स्थानीय ग्रामीणों को समझाकर जाम को खुलवाया। पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में ले लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शाहजहांपुर में पुलिस ने एक आरोपी गिरफ्तार किया। आरोपी ने दो दिन पहले नाबालिग बच्चों के साथ दुष्कर्म की कोशिश की थी। वहीं नाकाम होने पर बच्चियों पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें एक बच्ची की मौत हो गई, दूसरी बच्ची गंभीर रूप से घायल है। झांसी जिले के रक्सा क्षेत्र में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला के पति का कहना है कि मृतका को दो दिन पहले वैक्सीन लगाई गई थी, तभी से महिला की तबीयत खराब थी। मृतका की मौत का कारण जानने के लिए पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मुजफ्फरनगर में 11वीं क्लास की छात्रा ने सैकड़ों फुट ऊंची पानी की टंकी से कूदकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने से पहले युवती ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा, जिसमें उसने एक युवक को पूरे घटनाक्रम का दोषी मानते हुए आत्महत्या की बात कही और उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। शाहजहांपुर में गुनारा गांव में अचानक छप्पर में आग लगने से 10 साल की किशोरी की जलकर मौत हो गई। आग की लपटें देखकर ग्रामीणों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक सब कुछ राख हो चुका था। आगरा के बिजौली गांव में नवविवाहिता का शव कमरे में फांसी के फंदे पर लटका मिला है। ससुराल वाले मौके से फरार हो गए। मौके के परिजनों ने ससुरालियों पर दहेज की हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने मृतक शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मुजफ्फरनगर के बिलासपुर गांव में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिजनों ने युवक की हत्या का आरोप मृतक के मामा पर लगाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन शुरू कर दी। आगरा में टेढ़ी बगिया 100 फुटा रोड पर फास्ट फूड और फोटोग्राफर के बीच पैसों को लेन देन को लेकर जमकर मारपीट हुई। ग्रामीणों ने भी झगड़े का फायदा उठाया, इस मामले का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। झांसी के नवाबाद में एक युवक का वीडियो सामने आया है। वीडियो में युवक फायरिंग करते हुए नजर आ रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।